अगर आपका दुश्मन है जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है और हर तरह से आपको घेरे हुए है, आपको समझ नहीं आ रही कि मैं इस दुश्मन का मुकाबला कैसे करूं, तो उस सूरत में अल्लाह पाक का दो अस्माए हुस्ना ले लें, या जब्बारो या कहारो। ये दो अस्माए हुस्ना जो अल्लाह पाक के हैं, ये अपनी मिसाल आप हैं, क्योंकि इनके मुअक्कलात इस कदर तेज़ रफ्तार और ताकतवर हैं कि जब इंसान या जब्बारो या कहारो पढ़ता है दुश्मन की मगलूबी के लिए, दुश्मन से मुकाबला करने के लिए, दुश्मन को ख़त्म करने के लिए, या दुश्मन बहुत ज़्यादा आपको तंग कर रहा है तो उसको बर्बाद करने के लिए, जब आप या जब्बारो या कहारो पढ़ते हैं तो दुश्मन पे फौरी इस अस्माए हुस्ना के मुअक्कलात अटैक कर देते हैं और दुश्मन जो है वो मग़लूब हो जाता है, यानी पे आप पर हमला करने की ताकत नहीं रखता और आपके कदमों में आकर माफ़ी मांगता है। तो वो उसी सूरत में माफ़ी मांगता है जब आप या जब्बारो या कहारो की तस्बीह 313 दफ़ा पढ़ेंगे, इनकी तादाद पूरी करेंगे। ये कोई तस्बीह कुछ इस तरह से पढ़नी है कि आपने दरूद शरीफ नहीं पढ़ना और ना ही बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है, क्योंकि आपने दुश्मन को मग़लूब करना है। दुश्मन के लिए ये एक बहुत बड़ी ताकत है इन अस्माए हुस्ना में। तो अल्लाह पाक उस बंदे को, जो बंदा पढ़ता है दुश्मन को नाकाम और ज़ेर करने के लिए, तो अल्लाह पाक कामयाब करते हैं पढ़ने वाले को और वो दुश्मन के वार से बच जाता है। चाहे किसी किस्म की कोई भी अदावत हो तो इन अस्माए हुस्ना को पढ़ने से वो अदावत ख़त्म हो जाती है और अल्लाह पाक उस बंदे को जो पढ़ता है उसको इत्मीनान सुकून अता करते हैं और अपनी ख़ास ताकत के साथ उसको नवाजते हैं। ये 313 बार पढ़ना है, या जब्बारो या कहारो।